हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अक्षय और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 एंशियंट हिस्ट्री वॉर मूवीज़ के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की स्टोरी के प्लॉट को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से रखा है, तो आप ये वीडियो मिस मत करना और वीडियो को आप एंड तक देखना ताकि आपका कोई भी पार्ट मिस ना हो। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। दोस्तों, हमारी एंशियंट हिस्ट्री मूवी की लिस्ट में फर्स्ट मूवी है 300। दोस्तों, इस मूवी के दो पार्ट बन चुके हैं और दोनों पार्ट गजब के हैं, तो मैं आपको ये मूवी देखने के लिए ज़रूर रिकमेंड करूँगा। दोस्तों, ये मूवी आई थी ईयर 2006 में। ये एक एक्शन वॉर मूवी है। इस मूवी के मेन कास्ट है गेरार्ड बटलर। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है दो एम्पायर के बीच की वॉर की, किंग लियोनाइडस और उनके 300 स्पार्टन्स एंड अगेंस्ट पर्शियन आर्मी ज़ेरसस। इस वॉर की शुरुआत होती है किंग ज़ेरसस के मैसेंजर से। कुछ टाइम पहले किंग ज़ेरसस अपने एक मैसेंजर को किंग लियोनाइडस के यहाँ भेजता है एक प्रस्ताव लेकर, लेकिन किंग लियोनाइडस को यह पसंद नहीं आता है और वह मैसेंजर को लियोनाइडस के कल्चर के बारे में गलत बोल जाता है और इसलिए किंग लियोनाइडस उस मैसेंजर को कुएं में फेंक देता है। आगे की स्टोरी आप इस मूवी में देखना दोस्तों, क्या किंग लियोनाइडस और उसके 300 सैनिक पर्शियन आर्मी को फेस कर पाते हैं या नहीं। दोस्तों, यह मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखना। इस मूवी को 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है IMDb पर। दोस्तों, हमारी एंशियंट हिस्ट्री मूवी की लिस्ट में सेकंड मूवी है इमोर्टल। यह मूवी रिलीज हुई थी ईयर 2013 में। ये एक फैंटेसी हिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के मेन लीड कास्ट हेनरी केविल हैं, जो कि DC के सुपरमैन भी हैं। दोस्तों, इस मूवी के अंदर गॉड, सुपर नेचुरल पावर ये सब भी हैं। दोस्तों, इस मूवी की अगर हम छोटी सी स्टोरी की बात करें तो यह मूवी बेस्ट है एक जादुई इपायरस बाहू से। दोस्तों, जादुई इपायरस बाहू मतलब एक जादुई धनुष। अगर किसी के भी पास यह धनुष हो तो वह इमोर्टल होता है। इस मूवी में एक किंग होता है जिसका नेम होता है हाइपेरियन। वह एक रूडलेस राजा होता है जो गॉड को भी मारना चाहता है, इसलिए गॉड उसे मारने के लिए एक मोर्टल मैन को चूज करते हैं जिसका नेम होता है थीसियस। क्या थीसियस हाइपेरियन को मार पाता है या नहीं, आप इस मूवी में देख कर हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों, इस मूवी को 6 out of 10 की रेटिंग मिली है IMDb पर। दोस्तों, इस मूवी को रेटिंग से कंपेयर मत करना, क्योंकि दोस्तों इस मूवी के एक्शन सीन बहुत ही गजब हैं। आपको यह नहीं लगेगा कि यह सीन VFX या CGI का कमाल है। दोस्तों, हमारी एंशियंट वॉर मूवी की लिस्ट में थर्ड मूवी है ट्रॉय। यह मूवी रिलीज हुई थी ईयर 2004 में। यह एक वॉर एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के मेन लीड कास्ट हैं ब्रैड पिट, जो कि एक बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर भी हैं। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है दो एम्पायर के बीच के वॉर की, ट्रॉय और स्पार्टा की। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वॉर एक सच्ची घटना है। यह वॉर सच में हुआ था। इस वॉर की शुरुआत होती है ट्रॉय के एक राजकुमार से, जो स्पार्टा की रानी को भगा ले जाता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में अफेयर होता है और यह बात राजा को पता चल जाती है और उनके बीच में वॉर हो जाता है। आगे की स्टोरी आप इस मूवी में देखना दोस्तों, क्या ट्रॉय और स्पार्टा के बीच में कौन जीतता है और कौन हारता है। इस मूवी को 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है IMDb पर। दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे लिस्ट की फोर्थ मूवी की ओर। इस मूवी का नेम है हरक्यूलिस। यह मूवी रिलीज हुई थी ईयर 2014 में। यह एक एडवेंचर वॉर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के मेन लीड रोल में ड्वेन जॉनसन है, जिन्हें रॉक के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही में वे एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी हैं। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है हरक्यूलिस और उनके साथी की, जो हर एक किंगडम में जाते हैं और उनकी मदद करते हैं और उसके बदले वह उनसे गोल्ड लेते हैं। दोस्तों, हरक्यूलिस इतना फेमस इसलिए होता है क्योंकि वह एक ऐसे लायन को मारते हैं जिसे किसी भी हथियार से नहीं मारा जा सकता। फिर कुछ टाइम बाद हरक्यूलिस और उनके साथी एक बार में वाइन पी रहे होते हैं, तभी उनसे एक लड़की अर्जेनिया मिलने आती है और उनसे हेल्प मांगती है और इसके बदले उन्हें उनके वजन के बराबर उनको सोना देने के लिए कहती है। आगे की स्टोरी आप इस मूवी में देखना दोस्तों, क्या हरक्यूलिस इस काम को कर पाता है या नहीं। इस मूवी को 6 out of 10 की रेटिंग मिली है IMDb पर। दोस्तों, अब बारी है हमारे हिस्ट्री वॉर लिस्ट की आखिरी मूवी की। इस मूवी का नेम है एलेक्जेंडर। यह मूवी रिलीज हुई थी ईयर 2004 में। यह एक वॉर एडवेंचर मूवी है। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है जब एलेक्जेंडर छोटा होता है और अपने डेली लाइफ जी रहा होता है। एलेक्जेंडर बड़ा होता है अपनी माँ ओलंपियस और अपने गुरु एरिस्टोटल की देखरेख में। एलेक्जेंडर की अपनी पिता के साथ बनना बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि उसके पिता ने दूसरी शादी की। दूसरी शादी के कुछ ही दिन बाद एलेक्जेंडर के फादर की डेथ हो जाती है और एलेक्जेंडर को किंग बना दिया जाता है मैसिडोना का।
फिर वह धीरे धीरे अपनी आर्मी के साथ मिलकर बहुत से राजा को हरा देता है और उनकी आर्मी को अपने साथ जोड़ देता है। लेकिन कुछ टाइम बाद उसे एक ऐसी जंग लड़नी होती है जिसमें उसके पास तो 40,000 सैनिक है लेकिन उनके सामने वाले के पास 2.5 लाख सैनिक है। आगे की स्टोरी आप इस मूवी में देखना दोस्तों, क्या अलेक्जेंडर इस वॉर को जीत पाता है या नहीं। इस मूवी को 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है IMDb पर। आई होप दोस्तों आपको आज का कलेक्शन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।